हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमूल के फ्लेवर्ड वे प्रोटीन के बारे में। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि अमूल के आज तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट टेस्ट करवाए हैं वो सारे के सारे पास हुए हैं और उनमें से काफ़ी सारे मैं रेगुलर यूज़ भी कर रहा हूँ। तो पर्सनली स्पीकिंग मेरे को अमूल के प्रोडक्ट्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं अभी तक, और इसीलिए मुझे इस प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मेरी उम्मीदों पे खरा उतरता है या नहीं, और क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई इस पे खर्च करनी चाहिए या नहीं। प्राइसिंग की जहां तक बात है तो एक बार को प्राइस देख के लगता है कि ये ओवर प्राइस्ड है। मतलब आज की डेट में ये आपको मिलता है 2069 रुपीस का 1.02 केजी यानी 30 सर्विंग्स। हालांकि ये सेल का प्राइस है, तो इसको नहीं कंसिडर करके जिस प्राइस पे ये यूजुअली मिलता है उसको भी अगर हम कंसिडर करें यानी 2299 फॉर 30 सर्विंग्स, तो आइसोलेशन में भले ही ये प्राइस महंगा लगे पर जैसा आप टेबल में देख सकते हो आज की डेट में इक्का दुक्का प्रोडक्ट जैसे फ्यूल वन, जेनेथ और मसल नेक्टर को छोड़ के बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आसपास ही पर ग्राम प्रोटीन का प्राइस इस प्रोडक्ट का पड़ता है। इनफैक्ट कई प्रोडक्ट से तो ये सस्ता भी है, और इसके साथ आपको ठीक ठाक क्वालिटी का एक शेकर भी मिलता है जिसकी कॉस्ट मरे से मरी 100 रुपए तो आप बोल ही सकते हो। एडिशनली इसकी पैकेजिंग टॉप नॉच है, मतलब हर सर्विंग इंडिविजुअल पैकेट्स में आती है जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, और जो लोग ट्रैवल करते हैं वो इसको खूब अप्रिशिएट करेंगे। ऑल्सो इट हेल्प्स इन एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट हर सर्विंग में। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव है और जस्टिफाइड भी है। कमिंग टू न्यूट्रिशन प्रोफाइल, तो भाई प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन एकदम सॉलिड है, सिंपल है, कोई अननेसेसरी चीज कंपनी ने डाली ही नहीं है। मतलब इस प्रोडक्ट में वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के अलावा आपको सिर्फ कलर, फ्लेवर, स्वीटनर और एंजाइम यही मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने कोई फालतू का आइटम, कोई फिलर नहीं डाला है। इनफैक्ट लेबल के हिसाब से इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट भी नहीं है। बाकी अगर मैक्रोस की बात करूं तो 34 ग्राम की सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन के साथ 3.6 ग्राम कार्ब और 1.7 ग्राम फैट मिलता है, जबकि ओवरऑल कैलोरीज आपको मिलती हैं 130.2, जो कि बहुत ही बढ़िया है कंसिडरिंग कि ये प्रोडक्ट में आइसोलेट है ही नहीं, ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पे बेस्ड है। और जैसा आप टेबल में देख सकते हो बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में भी इस प्रोडक्ट के मैक्रोस किसी भी एंगल से बुरे नहीं है। सो वेल डन अमूल। जहां तक सॉल्युबिलिटी की बात है तो देखो यार, थोड़ा एफर्ट आपको इसे मिक्स करने में लगेगा, कभी कभी छोटे मोटे लम्प्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ इसमें फोमिंग भी काफी होती है। तो सॉल्युबिलिटी को मैं जस्ट अबाउट एवरेज बोलूंगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इस प्रोडक्ट में ना ही इमल्सीफाइंग एजेंट है ना ही थिकनर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी एनहांस करने के लिए डाले जाते हैं। तो इनकी एब्सेंस में भी प्रोडक्ट अगर इतना सॉल्युबल है तो मुझे नहीं लगता कि सॉल्युबिलिटी एक डील ब्रेकर पैरामीटर होना चाहिए। देखो यार, इवन दो ये प्रोडक्ट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पे बेस्ड है और हमें पता है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में यूजुअली लैक्टोज शुगर ज्यादा होता है, लेकिन अमूल का जो इनहाउस वे प्रोटीन है उसमें लैक्टोज की क्वांटिटी पर सर्विंग लेस देन 0.1% है, जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बात है। एंड इट डेफिनेटली एड्स इन डाइजेशन, मतलब उन लोगों में भी जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने प्रोडक्ट में गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम डाला हुआ है जो गैलेक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो ऑल इन ऑल डाइजेशन के मामले में मेरे को ये प्रोडक्ट खूब ही बढ़िया लगा और डाइजेशन रिलेटेड कोई भी इश्यू मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। कंपनी का जो लेबल है उसके हिसाब से ड्राइड बेसिस पे प्रोटीन कंटेंट बनता है 73.52 और मेरी लैटेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट आया है 74%, विच मीन्स द प्रोडक्ट हैज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। और अमूल ने अपना रिकॉर्ड यानी मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट्स में कभी भी ना फेल होने का कायम रखा है। देखो यार, इस प्रोडक्ट का टेस्ट मेरे को तो बढ़िया लगा, मतलब बहुत ज्यादा चॉकलेटी शायद आपको ना लगे और ना ही बहुत ज्यादा मीठा आपको लगेगा।
लेकिन मेरे को इनका फ्लेवर पसंद आया। उसके ऊपर इनकी पैकेजिंग रॉक सॉलिड है एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज। बाकी प्रोडक्ट की सॉलिडिटी कैन बी सर्टेनली इम्प्रूव्ड, लेकिन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर बाय एनी मीन्स। वही अगर डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूं तो इसको पीने के बाद कोई भी भारीपन मेरे को महसूस नहीं हुआ और मेरे हिसाब से डाइजेशन में इसको पूरे नंबर मिलते हैं। लास्टली, प्राइसिंग आइसोलेशन में बेशक महंगी लगती हो, लेकिन जब आप दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे या फिर अमूल की कोई सेल चल रही हो जिसमें ये आपको 2000 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो भाई फटाफट से आप इस प्रोडक्ट को खरीद लो एंड ट्रस्ट मी, अदर देन सॉल्युबिलिटी यू विल एंजॉय दिस प्रोडक्ट। इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो से सही प्रोडक्ट चूज करने में हेल्प मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। जल्दी ही मिलूंगा ऐसे ही और अनबायस्ड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।